दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल कानून की आवाज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज बात करते हैं कि पुलिस PC रिमांड कब लेती है और क्या वजह है लेने का, इस वीडियो से आप जान सकते हैं। दोस्तों गिरफ्तार शुदा जो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो पकड़ में आ चुका है उसी का ही पुलिस PC रिमांड ले सकती है। लेकिन जो व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पेश करने के बाद पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से PC रिमांड मांगा जाता है। PC रिमांड मजिस्ट्रेट कितने दिनों का दे सकता है, कम से कम 4 दिन का या 5 दिन का PC रिमांड दे सकते हैं। अगर पुलिस PC रिमांड मांगने का क्या मकसद होता है मांगने का, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उस व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की अगर तफ्तीश नहीं, मारपीट करना हर चीज पुलिस के पास हो जाती है या पकड़ में आ जाती है, तो पुलिस अगर उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट से PC रिमांड मांगती है तो मजिस्ट्रेट उसको PC रिमांड नहीं देगा, क्योंकि उसमें कोई तफ्तीश बाकी ही नहीं है। दूसरी उदाहरण इस तरह देख लिए, PC रिमांड किस कौन कौन से केसेस में दिया जाता है। मान लो जैसे डकैती है, 376 है, या किसी व्यक्ति ने धारदार हथियारों के साथ उससे मारपीट की है या घायल किया है, अब उसमें पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करने के बाद पुलिस उस जो एरिया का मजिस्ट्रेट है वहाँ पेश करेगा। पेश करने के बाद उस व्यक्ति को जिसके बारे में जैसे किसी ने मारपीट की है हथियारों के साथ, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने यह पक सकता है कि अभी हमें इनसे पूछताछ करनी है, अभी इनके जिस हथियारों से इन्हें वार किया वो हथियार हमें प्राप्त नहीं हुआ, उससे देखते हुए मजिस्ट्रेट उन्हें PC रिमांड दे देते। तो PC रिमांड 4 दिन का, 2 दिन का, कितने दिनों का भी मजिस्ट्रेट दे सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन का PC रिमांड दे सकती है, लेकिन वो 9 दिन का PC रिमांड कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन ऐसे करके दी जाती है, एक साथ 9 दिन का PC रिमांड नहीं देते। पुलिस PC रिमांड में उस व्यक्ति के साथ क्या मारपीट कर सकती है? दोस्तों PC रिमांड में पुलिस उस व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकती, केवल फिजिकली तौर पर उसे परेशान कर सकती है, उसे हल्की फुल्के उससे कहलाने के लिए मारपीट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा मारपीट नहीं कर सकती। मतलब उसके से मारपीट करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, केवल उसे पूछताछ ही पुलिस कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति का PC रिमांड होता है तो उसमें केवल पुलिस पूछताछ कर सकती है, न कि मारपीट। अगर पुलिस ऐसा करती है, मारपीट कर सकती है, तो आप जिस दिन आपका चालान पेश हुआ, जिस दिन आपका वकील हो, तो उसे मेडिकल करवाने की एप्लीकेशन लगा सकता है, इससे पुलिस की हालत खस्ता हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं जागरूक करना चाहता हूँ, कभी भी पुलिस अगर बिना अनुमति आपको पीटती है मारती है तो आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर।